ये देखिए अचानक से बारिश शुरू हो गई और रात के बज रहे हैं 10 और बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई है। मुझे तो अचानक आवाज़ आई है तो मैं बाहर आई हूँ तो हाल का दरवाज़ा ओपन किया है तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मूसलाधार बारिश हो रही है सही सही ये बता ना भाई टॉपी ये भाई नहीं जाना आपने आप इधर आ जाओ ये देखें जी ये भाभी इंजॉय कर रही है बारिश का। ये भाई इधर देखो फिर मामा को ये देखें इंजॉय कर रही है बारिश का। मुझे कह रही है भाई चलें तो मैं कह रही हूँ कि भाई नहीं जाना क्योंकि वो ना भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इधर आ जाओ भाई ढाकी है डॉगी ना ही देखो ना करना मेरा बेटा सबसे सोना इसको ना पकड़ना। ये देखें आपने बताना है आपको कैसा लग रहा है और आपके इलाकों में कितनी बारिश हो रही है जी। अगर तो आप सियालकोट में नहीं तो बताना है आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आप वाली साइड पर भी कैसी तरह है। आप रात खुश होते हैं सुबह उठते हैं बारिश हो रही होती है शाम को हम जिनके बंदर हैं बंदर होते हैं उनको पता ही नहीं चलता बारिश इतनी तेज़ आ जाती है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मौसम तो आजकल माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा हो जाता है जब बारिश हो जाती है बड़ा ठंडी ठंडी हवा हो अदरवाइज तो हमारा जनाबे वाला एसी भी चल रहा है। ये हमारा एसी भी ऑन है और ये अपने काम स्टार्ट है जैसे लगा हुआ है। चलिए आ जाएं वापस आ जाएं फिर बाद में अंदर आ जाओ आप अंदर आ जाओ मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। चलो आ जाओ ना मैं अंदर जा रही हूँ फिर डॉगी आ गया ना फिर ना मुझे कहना ओके। देखिए जी हाँ उनका दरवाज़ा बंद कर रही है आप रहने दो मैं खुद कर लूँगी आ जाओ आप। ये देखिए जी रात को बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और सुबह 11 तकरीबन 12:15 हो रही और मैं उठी हूँ तो अभी बारिश में लग रहा बंद हुई है क्योंकि अभी सेम देखें आपको किस तरह से गिर है अभी बंद हुई है सारी रात मुसलसल बारिश हुई है। अभी तो हम बाहर नहीं निकले बाहर का भी नहीं देखा कि बाहर कितना कितना पानी खड़ा हो गया होगा। तो आपने भी बताना है कि आपके इलाकों में क्या इसी तरह से बारिश हो रही है और चिड़िया भी आ गई है जी मेरी बातें सुनने के लिए और मुझे चिड़ियाँ बहुत पसंद हैं चू चू करती हैं और अल्लाह का जिक्र करती हैं और इनकी जो आवाज़ होती है बहुत मीठी होती है। और सबसे पहले ये देखें अभी भी बारिश हो रही थी और बारिश अभी मेरा ख्याल है रुकी है मैं उठी हूँ और अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ चले नाश्ते के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ जी मैंने सारी साफ़ सफाइयाँ भी जो हैं वो कर ली हैं ये देखें आप कमरा मैंने बिल्कुल नीट किया कल बेडशीट वगैरह भी चेंज की थी और अब नीचे रह गई हैं और बाकी सारा सोफ़ों वगैरह को भी मैंने अच्छी तरह से जो है ना वो साफ़ वगैरह करके क्योंकि मैं गई हुई थी ना तो जब आई हूँ तो फिर मुझे लग रहा था हर चीज़ की डस्टिंग हुई हुई है हर चीज़ की डस्टिंग करनी तो वो मैंने कर ली है। और अब मैं करूंगी जी नीचे से सफाइयाँ और मैंने सोफ़ा कवर भी मंगवा लिए हैं ऑनलाइन ही मंगवाए हैं आते हैं मैंने क्विल्ट वाले मंगवाए हैं वो दिखाऊंगी वो किस तरह के आपको लगते हैं। तो चलें जी अब मैं नीचे सफाई कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। और जब बंदा घर नहीं ना होता तो उसका घर बहुत ही डिस्टर्ब होता है आपने भी बताना कि आपका घर भी इस तरह से हो जाता है या मुझे ही लगता है। मैं तो 2-4 दिन भी कहीं चली जाऊँ तो मुझे लगता है घर डिस्टर्ब हो जाता है मतलब चीज़ें अपनी जगह पे नहीं रहती कोई चीज़ कहीं पे पड़ी होती है कोई कहीं भी पड़ी होती है उनको आकर सारा सेट मेट करना और देखना उनको उनकी जगह पे रखना। और जी सुबह एक बहुत ही हमारे साथ प्रैंक हो गया ये देखें वो आपको ऊपर बल्ब नज़र आ रहा है ना ये जल गया सुबह मसल में सारी रात बारिश होती रही सुबह बिजली कम या ज़्यादा हुई है तो उसकी वजह से ना ये जल गया है। अब मेरे हस्बैंड आएंगे वो नया ला के देंगे मैं यहाँ पे लगाऊंगी और यहाँ पे मैंने करने हैं जी कपड़े प्रेस और ये समझें जी मेरा एमी वाला एरिया जहाँ पे मेरी सेविंग बॉक्स पड़े हुए हैं और ये हुड पड़ी हुई किचन में लगवानी है टब वगैरह मतलब जो एक्स्ट्रा सामान होता है मैं यहीं पे रखती हूँ यहाँ पे कपड़े पड़े हैं जो प्रेस करने हैं और ये बाकी कार भी पड़ी हुई है। तो चलें जी इसके साथ ही आ गए ये जी मेरी अलमारी मेरी और मेरे हस्बैंड की थी और ये थी हिबा फातिमा की अलमारी और इसमें भी काफ़ी खलारा शलारा मैं देख रही हूँ कि पड़ा हुआ है अब इसको भी सारी को सेट मेट करना है। ये ऊपर भी हिबा फातिमा के कपड़े पड़े हुए थे यहाँ पे भी थे और ये था जी एक हैंगर जो मैंने उतार लिया है ये देखें इस तरह से था और यहाँ पे मैं हिबा फातिमा के हैंग करती हूँ और अभी कुछ कपड़े उतरे हुए हैं वो भी मैंने हैंग करने हैं हैंग कर लेती हूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ।
चलें जी अब आ जाते हैं हाल में, और हाल को आप देखें, देख लें यहाँ पे कपड़े कल धोए थे, बारिश बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे डाल दिए कुछ तो उस कमरे में डाले हुए नवीद के, मतलब अपने हस्बैंड के, ठीक है। और ये जी चार पे बिखरी हुई है क्योंकि हम यहाँ पे भी लेट गए थे आके, जब सुबह जो है ना वो पता नहीं यूपीएस को क्या हुआ था, यूपीएस बंद हुआ तो हम यहाँ पे आके लेटे थे, लेकिन यूपीएस अल्लाह का शुक्र दोबारा ऑन हो गया था, वो वैसे ही कोई उसकी वायर जो है ना वो हिल गई थी जिसकी वजह से वो जो है ना बंद हो गया था, मुझे लगा कि वो डेड हो गया इसलिए बंद हो गया। यहाँ पे एसी का पानी पड़ा हुआ है, इसको भी बाल्टी को फारिग करती हूँ। और वायर मौसम आपको सबसे पहले मैंने दिखाया था, और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, अभी भी कुछ खास तो नहीं हुई, इसी तरह से ठंडा। और ये देखें ठंडा बादल छाए हुए हैं जी पूरे कमाल से, और ठंडा मौसम। चलें जी इसको करते हैं बंद और अपने काम करते हैं स्टार्ट। अभी मेरे कपड़े भी सारे समेटने हैं, यही बहुत मतलब कपड़े धो के मैंने डाले हुए हैं, सारे बनियाने हैं मेरे हस्बैंड की, और ये सारे समेटने हैं। आपको मैं दिखा रही थी हिबा के सेफ में भी काफ़ी खलारा शलारा पड़ा हुआ था, ये हिबा मेरे दुपट्टे के साथ खेलती थी और वहाँ यहाँ पर रख गई है, और ये मरियम के कपड़े धो के रखे हुए हैं। ये मेरी बेडशीट है जो मैंने धोई थी, खुशक हो गई तो मैंने इसको तय करके रख दिया था, इसको इसकी जगह पर रखूँगी, और मरियम के कपड़े भी मरियम के कपड़े उसकी जगह पर रख दूँगी जहाँ पर उसके कपड़े पड़े होते हैं, और अब सब चीज़ों को एक तरतीब के साथ रखते हैं। चलें जी चलते हैं और इस चारपाई की चादर भी ठीक करते हैं। ये हिबा फातिमा की गोदी थी, ये देखिए नीचे इस तरह से थी, इसको मैंने पैक वगैरह करके ना इसको रख ली हूँ, क्योंकि ये मेरी जेठानी की सिस्टर आई हुई थी, उनकी बेटी छोटी थी जो हमने ली थी, तो मैंने इसको अच्छी तरह से पैकिंग वगैरह करके, तो इसका मैंने कपड़ा वगैरह भी वॉश कर लिया था सारा कुछ करके, अब मैं इसको ना इस तरह से क्लोज़ कर देती हूँ। देखिए इस तरह से तो डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है ना, तो जब इस तरह से ऊपर कवर वगैरह किया हो तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। इसको भी क्लोज़ करती हूँ और गत्ते को सेट करती हूँ, गत्ता यहाँ से ना थोड़ा इस तरह से हो गया हुआ है, यहाँ पे टेप वगैरह लगा के ना इसको सेट करती हूँ। हाँ जी ये मेरी मम्मी ने जमने में दी थी, मतलब ये मुझे छोटी सिस्टर ने लेके दी थी हिबा के लिए, छोटी सिस्टर जो आर्मी में होती है उन्हें लेके दी थी, इस वजह से मैं इसको ना अच्छी तरह से ये देखें बेबी करियर इसको अच्छी तरह से संभाल के ना रखती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये इस तरह से सेफ के ऊपर मैंने रख दी है, बाकी वॉकर भी पड़ी हुई है, इसको भी मैंने ना इसकी पैकिंग तो नहीं दी, लेकिन इसको मैंने बड़ा शॉपर लेके उस पर बैठ के रखा, क्योंकि डस्ट तो जिधर भी हो जाए डस्ट आ जाती है, तो इस तरह से मैंने इनको ऊपर पैक करके रख दी। ये देखें जी माशाल्लाह से नीचे से भी साफ़ सफाइयाँ, फर्नीचर भी सारी डस्टिंग वगैरह हो गई है, और यहाँ पे चारपाई भी मैंने ठीक कर दी है, और ये कपड़े धो के डाल दिए हैं, मतलब सारे काम मैंने फिनिश कर दिए हैं। तो चलें जी आज की यही थी छोटी सी वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।